देश के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का संसद के बाहर मजाक उड़ाने का हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कल्याण बैनर्जी को संसद से बर्खास्त कर किसी चिड़ियाघर में भर्ती करवा देना चाहिए। राज्यसभा सांसद कल्याण बैनर्जी ने जिस प्रकार से देश के भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया है, उनको राज्यसभा सदस्य से उनकी समाप्त कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। सब इंडिया की बैठक हुई थी कल, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अप्रोच किया गया प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन केजरीवाल के सिवा किसी ने समर्थन नहीं किया। नहीं यार, देखिए जो सूचना आ रही है वो तो यही आ रही है कि खड़गे का नाम प्रपोज किया गया और राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर फिर 49 सांसदों को निलंबित किया गया है। इस पर विज ने कहा कि ये केवल इतना ही मसला नहीं है, इस मसले के प्रोटेस्ट करने के और भी तरीके हैं। लोकसभा में कूद जाना कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसने ये सारी कार्रवाई की है और ये लोग उनके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये संसद विधानसभाएं बनती हैं जाके लोगों की बात कहने के लिए, ना कि वहां जाकर दंगा करने के लिए, तो इसलिए ये सारा हो रहा है। और वो तो बुला रहे हैं बातचीत के लिए भी नहीं जा रहे। इनका मकसद तो हर सेशन में यही होता है कि किसी प्रकार से जो संसद का काम है उसको रोका जाए। देखिए ये केवल इतना ही मसला नहीं है, इस मसले के लिए प्रोटेस्ट करने के और भी कई तरीके हैं। लोकसभा में कूद जाना, इसको इतना छोटा मामला नहीं माना जा सकता। ये बहुत बड़ा मामला है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसने ये सारी कार्रवाई करवाई है, और ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिसने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है ये उसके साथ हमदर्दी जता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है। 3 दिन के सत्र में विपक्ष खुश नहीं है। इस पर विज ने कहा कि जितना समय विपक्षी पार्टियों को बोलने के लिए दिया जाता है उससे पहले कभी भी किसी विधानसभा में नहीं मिला, क्योंकि वे खुद 6 बार के विधायक हैं। हमें थोड़ा सा बोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था और ये मार्शल से उन्हें उठवाकर बाहर फिकवाती थी। विज ने कहा कि अब तो सभी को बोलने का समय दिया जाता है, अब किसी को बोलना ना आए तो क्या करें। ये जितना समय इस विधानसभा में विपक्षी सदस्यों को बोलने के लिए दिया जाता है उतना आज से पहले कभी किसी विधानसभा में नहीं हुआ। मैं तो 6 बार का विधायक हूँ, हमें तो थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था और ये मार्शलों से उठा उठा के हमें बाहर फिकवाते थे। आज तो इनको सारों को समय दिया जाता है, सारों को बोलने का टाइम दिया जाता है, किसी को बोलना ही ना आए तो वो तो हम नहीं कर सकते। गौरतलब है कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का संसद के बाहर मजाक उड़ाने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कल्याण बैनर्जी को संसद से बर्खास्त कर किसी चिड़ियाघर में भर्ती करवा देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।